हाई एवरी वन दिस इज पारुल यू फैकल्टी ऑफ रीजनिंग वेलकम टू पजल प्रो सो अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस टाइप है जिनमें जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने में सो so, वो क्या है ऐसे क्वेश्चन जिनमें इनसाइड आउटसाइड फेसिंग दोनों ही टाइप के पर्सन दिए होते हैं और वो पता नहीं होता है आपको कि कौन इनसाइड फेसिंग है कौन आउटसाइड फेसिंग है ठीक है ऐसे सर्कुलर क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे आपके और भी क्लोज फिगर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं तो अभी आज के सेशन में मैं ये क्वेश्चन आपको एक सॉल्व कराऊंगी जिसमें इनसाइड एंड आउटसाइड फेसिंग वाला क्वेश्चन होगा ठीक है इनसाइड आउटसाइड फेसिंग एक सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के बाद आप एकदम प्रॉपरली सीख जाओगे कि, कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ठीक है सो so, आप सभी के सामने क्वेश्चन ये रहा ये क्वेश्चन आप सभी के सामने जो स्टूडेंट स्क्रीन लेना चाहते हैं पहले ले लीजिए एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी यहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं चलो So, ये है आप सभी के इंपॉर्टेंट चीज से पढ़ना है नौ लोग बैठते हैं इन जनरल हमें आदत होती है आठ लोगों को बैठाने की क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो आठ लोग वाला होता है तो इसीलिए ध्यान रखना है नौ दस जितना भी बोले दिमाग में ध्यान से उसको पढ़ना है ये नहीं की जस्ट

ये हमने टोटल नाइन पर्सन बना दिए अब जरा देखो कहता है सी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए हु फेसेस इनसाइड ए इनसाइड फेसिंग है और सी उसके सेकेंड राइट right पर है तो हमें यहाँ पर एक एग्जैक्ट पता चला कि ए के सेकेंड राइट पर हम सी को बिठा सकते हैं हमें ए की डायरेक्शन पता है आगे टू पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी इंटरकनेक्शन मिला सी और जी पहले हमारी सी की ऑलरेडी बात हो चुकी है तो सी और जी के बीच में दो लोग हैं आगे कहते हैं जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी जे जी के थर्ड लेफ्ट पर है आगे एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जे तो यानी कि हमें इंटरकनेक्शन तो यहाँ पर मिल रहा है अब हम यहाँ पर सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए ए आपका यहाँ पर है इनसाइड फेसिंग है ठीक है तो उसके सेकेंड राइट right पर कौन है सी है ये बन गया अब कहते हैं दो लोग रहते हैं सी और जी के दो लोग बैठते हैं सी और जी के बीच में अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बनने वाले हैं ठीक है दो केसेस बनने वाले हमें क्या करना है क्वेश्चन के लिए दो अलग अलग फिगर्स नहीं बनानी है हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ क्योंकि देखो ऐसा कभी भी नहीं होता अगर कोई आपको ये कहता है कि हाँ आप एक में ही सारा कुछ कर दो ठीक है एक पॉसिबिलिटी में आप क्वेश्चंस बना सकते हो नहीं ऐसा नहीं होता है बहुत सारे होते हैं जहां पर आप मिनिमम पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी डाउट ठीक है लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना पड़ता है बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप पॉसिबिलिटीज को कैंसिल कर सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा सा पूरा एंड तक पढ़ के ठीक है तो अब ये हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को ठीक है ये फिगर बनाकर पूरी क्लोज फिगर बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको दो केसेस लेकर चलना पड़ेगा लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ दो फिगर्स मत बनाओ एक ही फिगर बनाओ उसी में दोनों को सॉल्व करो वो भी नीट एंड क्लीन कैसे कर सकते हो वो भी देखो अब हमें पता है सी और जी के बीच में दो लोग हैं तो वन टू जी आपका यहाँ पर आया एक और केस बनेगा ए आपका यहाँ पर है ए के सेकंड राइट पर सी आपका यहां पर आ जाएगा अब सी और जी के बीच में दो लोग ए केस में हम वहां ले गए तो एक दो जी आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है इतना क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन चुका है आगे जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी जे कहां पर है जी के थर्ड लेफ्ट पर कौन है जे है जी के जे left, G. G left पर जे है अगर अब हम अंदर वाला केस देखें, जी के थर्ड लेफ्ट पर कौन है J. G का थर्ड लेफ्ट सी है J नहीं आ सकता. यानी कि थर्ड लेफ्ट जे आपका यहाँ पर आएगा जी के थर्ड लेफ्ट पर कौन है जे है तो अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी Inside G जी का थर्ड लेफ्ट पर जे आ गया ठीक है अगर अब हम बाहर वाले केस की बात करें तो देखो जी यहां पर है तो वन टू गैप के बाद यहां पर सी है जे यहां आ नहीं सकता तो दो के गैप के बाद में जे आपका इस जगह पर आएगा अब जी के थर्ड लेफ्ट पर आपको बनाना है तो जी की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर ये यह हो जाएगी जी के थर्ड लेफ्ट पर हमने जे को बना दिया ठीक है इतना क्वेश्चन हमारा हो गया अब आगे देखते हैं कहता है एल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे एल जो है वो कहां पर है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे जे के सेकेंड लेफ्ट पर है एल हु जे के लिए बोलता है हु डज नॉट सेट नेक्स्ट टू सी जे और सी दोनों साथ में नहीं आएंगे सी यहाँ पर है इस केस में और जे आपका यहाँ पर है इस केस में जे यहाँ पर है सी यहाँ पर है ये बात तो ठीक है दोनों साथ में है ही नहीं एल सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे जे के सेकेंड लेफ्ट पर एल है जे के सेकेंड लेफ्ट पर एल है तो अब जरा एक चीज देखो अगर अब अंदर वाले केस को देखें तो जे यहां पर है उसके सेकंड लेफ्ट पर इस जगह पर भी आ सकता है सेकंड लेफ्ट पर है भी आ सकता क्योंकि हमें ये नहीं पता कि जे की डायरेक्शन क्या है ठीक है ये हमें नहीं पता कि जे की जो डायरेक्शन है वो क्या है तो आपका एल जो है वो यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है नोट कर लेते हैं कि जे के सेकेंड लेफ्ट पर आएगा एल ठीक है आगे B sits third to the right of L and is an immediate neighbor of P. B. B sits third to the right of L. L के third right पर कौन है B है. B sits third to the right of L. L के third right पर कौन है B है. अब L का third right पर कौन आएगा B? और उसने क्या बोला है? And and use हुआ है तो ये जो and है ये L के लिए नहीं B के लिए. ये आपको पता होना चाहिए ठीक है. अगर who Which, ये यूज होगा तो उससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट होगा अगर एंड होता है तो उससे पहले वाला सब्जेक्ट नहीं उससे यानी कि उसके जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट नहीं होता ये वाला सब्जेक्ट के लिए एंड यूज होता है ठीक है तो यहां पर कहता है बी नेबर ऑफ पी जो है दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं बी और पी दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं ठीक है अब हमको ये पता चला अब एक बात देखो अगर हम बाहर वाले केस में भी देखें हमको जे के सेकंड लेफ्ट पर एल को बनाना है जे आपका यहाँ पर है तो उसका सेकंड लेफ्ट पर एल यहाँ भी आ सकता है सेकंड लेफ्ट पर एल यहाँ भी आ सकता है अब हमारे पास एल के दो दो केसेस बन रहे हैं लेकिन हमको एक में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है सो so, हम अब क्या देखेंगे जे के सेकंड लेफ्ट पर एल एल के थर्ड राइट right पर भी इसका मतलब एक अगर आप बेसिक ये समझो जे और एल के बीच में एक पर्सन एल और बी के बीच में दो पर्सन और इस तरीके से इनको चेक करो कि बी और पी ये दोनों इनके लिए चाहिए बी और पी दोनों के लिए ही जगह हो इस तरीके से चेक करो ठीक है तो अब जरा देखो अगर हम बाहर वाले केस की बात करते हैं ठीक है मान लो आपका एल यहां पर आता है ठीक है तो एल और जे तो आ ही चुका है एल और बी का चेक करना एल और बी के बीच में दो लोग एल यहां पर है तो एक दो बी आपका यहां पर आएगा ठीक है अगर एल आपका यहां पर आता है तो एक दो बी आपका यहां पर और ये तो फिर एल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एल यहां आएगा तो पी आपका यहां आ सकता है यानी कि एल यहां आ सकता है सिमिलरली अगर आपका एल यहां पर है तो एल और बी के बीच में दो लोग वन टू बी आपका यहां पर आ सकता है बी यहां पर आया तो पी यहां भी आ सकता है वन टू बी इधर नहीं आ सकता ए है यानी कि अब बाहर वाले केस में हमने ये देखा कि एल तो दोनों ही जगह पर आ सकता है अगर हम इतना चेक करते हैं कितना चेक करते हैं जे एल बी और पी इसको चेक करते हैं तो एल यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है यानी कि क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा हमें है ना सिमिलरली अंदर देखो अगर एल आपका यहाँ पर है तो बी वन टू बी यहाँ आएगा तो पी आपका इधर आ जाएगा क्योंकि एल यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा ठीक है सिमिलरली अगर एल आपका यहाँ पर है तो दो के गैप के बाद में बी आपका यहाँ पर फिर पी आपका यहाँ पर तो एल की अभी भी दोनों पोजिशन बरकरार हैं क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा फोर्थ टू द राइट ऑफ एच के जो है एच के फोर्थ राइट पर है एच के लिए कहता है ना वो जे के पास में नहीं आएगा एच जो है वो जे के पास के फोर्थ राइट पर के आ जाएगा बोथ बी एंड पी फेस सेम डायरेक्शन एज ए ए की डायरेक्शन हम सभी को पता उसने स्टार्टिंग में बताया था वो इन साइड फेसिंग है तो बी और पी दोनों इन साइड फेसिंग हो गए बी और पी दोनों ही इनसाइड फेसिंग हो गए ठीक है और क्या कहता है सी एंड जी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर सी और जी के डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है ठीक है इसको हम बाद में नोट कर लेंगे बना लेंगे क्योंकि अभी डायरेक्शन का कुछ ऐसा है नहीं हम लोग बस एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं के डज नॉट फेस आउटसाइड के की डायरेक्शन आउटसाइड नहीं है यानी कि के भी इनसाइड है बी पी के तीनों ही इनसाइड फेसिंग है चलो ये क्वेश्चन तो अब हम पूरा का पूरा नोट कर चुके हैं अब हमको देखना है ये तो हम सारा देख चुके हैं अगर हम इसको देख रहे हैं तो उसके हिसाब से एल की दो दो कंडीशंस बन रही हैं तो अब यानी कि एक इकलौती हमारे पास यही कंडीशन है इसके अलावा तो डायरेक्शन वाली है सारी की सारी तो यानी कि इकलौती ये बचती है जिससे हमको पता चलेगा ठीक है अब जरा देखो अब एक चीज बस अब आपको आगे जो काम करना ना थोड़ा सा दिमाग को अच्छे से खोल कर देखना है एल अगर आपका यहाँ पर आया ठीक है अगर एल आपका यहाँ पर आया तो दो के गैप के बाद बी वन टू के बाद बी यहाँ पर नहीं आ सकता एक दो के गैप के बाद में बी आपका यहां पर आ सकता है ठीक है पी आपका यहां पर आ जाएगा अब आपको ये देखना है एल बी पी यहां पर आ गया ठीक है एल बी पी यहां पर आ गया अब चाहिए आपको एच के फोर्थ राइट पर के यानी कि एच और के, के बीच में कितने तीन लोग चाहिए हैं तो अब जरा देखो तो आपका एच और के यहाँ पर आ सकता है तो तीन के गैप के बाद जबकि जगह कौन सी बची है एक ये वाली जगह बची है और एक ये वाली जगह क्योंकि एल वहां पर आ चुका है ठीक है ये जगह तो तीन के गैप तो आपको नहीं मिला एच और के के बीच में तीन का गैप चाहिए था ना सभी ध्यान से देखो हमने क्या किया एल को यहाँ पर रखा तो हमने देखा एल को यहाँ पर रखने से बी और पी तो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है एल के थर्ड राइट पर भी एल और बी के बीच में दो का गैप बनाया ठीक है वो तो डायरेक्शन अपने आप हम सेट कर देंगे बस एक बार ये देख रहे हैं एल दो के गैप के बाद में बी यहाँ पर पी यहां पर, पर क्योंकि बी और पी इमीडिएट नेबर्स हैं ये बनाया तो हमारे पास जो दो जगह बची है एक ये वाली जगह एक ये जगह जहां पर हमको एच और के बीच में तीन लोग चाहिए तो यहां पर एच और के आएंगे तो बीच में तो दो ही लोग हैं यानी कि यहाँ पर आपका जो एल है वो नहीं आएगा अब एल क्योंकि यहां पर नहीं आएगा, आएगा आपका तो यहाँ पर बी और पी भी नहीं आएगा अब एक जगह जो एल की बचती थी वो थी ये ठीक है ये थी आपकी जगह अब एल यहां पर है फिर दो के गैप के बाद में आपको क्या चाहिए है बी चाहिए ठीक है थीके? तो अब जरा देखो एल दो के गैप के बाद में बी यहां पर आएगा दो के गैप के बाद में बी यहाँ पर तो पी यहाँ पर ये दोनों जगह फिल्ड हो जाएंगी अब इसके बाद में देखो आपकी खाली जगह कौन सी बचती है ये दोनों बचती है विच इज अगेन नॉट पॉसिबल एच और के के लिए ये दो एडजेसेंट प्लेसेस हैं क्या जरूरत है ये भी गलत हो गया ठीक है सिमिलरली अगर एल आपका यहाँ पर है दो के गैप के बाद में आप बी और पी को यहाँ पर करते हो ठीक है अब ये जगह खाली हो जाएगी फिर ये दो एडजेसेंट प्लेसेस खाली हो जाएंगे फिर कोई फायदा नहीं है यानी कि जो हम आउटर केस सॉल्व कर रहे हैं जो हम आउटर केस सॉल्व कर रहे हैं वो तो है गलत ठीक है आई होप आप सभी इतना समझे होंगे कि जो आउटर केस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं वो गलत है वहां से आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा जो केस सही होगा वो कौन सा होगा आपका इन वाला केस सही होगा इन वाला जो केस है वो सही होगा अब इनसाइड वाले केस में देखना एल आपका यहां पर भी आ सकता है यहां पर भी आ सकता है अब जरा देखो अगर हमने एल को इस जगह पर बनाया l को इस जगह पर बनाया तो b और p यहां पर l दो के गैप के बाद में b यहां पर तो b और p इस जगह पर आ जाएंगे अगर l आपका यहां पर है अब ये दो जगह बचती हैं तो h और k के लिए आपको बीच में तीन का गैप चाहिए तो h और k के लिए तो दो ही गैप हुआ यानी कि आपका l यहां भी नहीं आएगा जो l है आपका वो कहां पर आएगा इस जगह पर आएगा अब l यहां पर दो के गैप के बाद में b यहां पर पी आपका यहां पर अब जरा देखो एच और के, के लिए यह जगह है हमें क्या चाहिए एच के फोर्थ राइट पर के चाहिए और उसने क्या बोला था आपको उसने एक चीज बोली थी कि जे का नेबर बोला था कि कौन नहीं है कुछ ऐसा बोला था एक बार देख लेते हैं हाँ एच के लिए बोला था डज नॉट सिट नियर टू जे एच और जे इमीडिएट नेबर्स नहीं है ठीक है तो जे के साथ में एच यहां पर नहीं आएगा एच आपका यहां पर आएगा और के आपका यहां पर आएगा देखो के और एच के बीच में एल जी ए तीन लोग हो गए हमारी रहती है डायरेक्शन अब लास्ट में हम लोग बिल्कुल एंड में हम लोग हमेशा डायरेक्शन को सोल्व करते हैं तो अब जरा देखो हमें पता है बी पी के तीनों क्या है इन साइड फेसिंग है बी इन साइड फेसिंग है पी इन साइड फेसिंग है और आपका के इन साइड फेसिंग है ठीक है और ए इन साइड फेसिंग है सी और जी के ऑपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जी की डायरेक्शन क्या है यहाँ पर देखो इन साइड तो सी की क्या हो जाएगी आउटसाइड ये हो गया अब रहते हैं यहाँ से देखो जे के सेकेंड लेफ्ट पर है एल आपका जे यहाँ पर है एल यहाँ पर है तो जे के सेकेंड लेफ्ट पर हमको एल को एल को बनाना है तो जे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटसाइड जे के सेकेंड लेफ्ट पर एल आ गया अब एल के थर्ड राइट right पर बी होना चाहिए तो एल का थर्ड राइट बी कहाँ पर है वहां पर है एल तो का थर्ड राइट यानी कि एल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आउटसाइड हो जाएगी एल के थर्ड राइट right पर हमने बी को बना दिया अब हमारा क्या बचता है यहां पर एच के फोर्थ राइट right पर के है एच आपका यहां पर है के आपका यहां पर है तो फोर्थ राइट वन टू थ्री यहां से जाएंगे तो एच का फोर्थ राइट right पर के यानी कि एच की डायरेक्शन हो जाएगी आउटसाइड नाउ योर क्वेश्चन इज कम्पलीटेड अब पूरा का पूरा क्वेश्चन हो चुका है हमारा यहाँ पर अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे हो ना कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजिली आंसर कर सकते हो वो पूछे की, पी, पूछे की कितने लोग ऐसे है इन साइड फेसिंग है कितने पर्सन आउटसाइड फेसिंग है कुछ भी पूछे अब आप बता सकते हो ठीक है तो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज बताई है अगर हम फिगर बनाकर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं ठीक है थीके? एक फिगर बनाओ उसमें दोनों ही को आ, दोनों अगर आपके केसेस बन रहे हैं दो केसेस बन रहे हैं तो एक ही फिगर में उसको बनाकर सॉल्व करो ठीक है और नीट एंड क्लीन आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ठीक है कि जो आपकी आदत है दो फिगर्स बनाने की एक फिगर बनाकर करो शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ऑब्वियस है एक बार डिफिकल्ट लगेगा बट जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे बहुत बहुत बार इस तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो एक ही फिगर में आप क्वेश्चन को बना पाओगे ठीक है सो आई होप अभी आज के सेशन में जो इनसाइड आउटसाइड वाला क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम लोग तब तक तैयारी करते रहिए एक चीज एक छोटी सी चीज है आपको क्या करना है आंसर करना है किस क्वेश्चन का कि कितने पर्सन हैं इनसाइड फेसिंग और कितने हैं आउटसाइड फेसिंग इसका नंबर बताना है इनसाइड और आउटसाइड फेसिंग के जो टोटल नंबर है वो बताना है इनसाइड कितने फेसिंग है आउटसाइड कितने फेसिंग है इस क्वेश्चन का आंसर ये आपका होमवर्क है आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है फिर चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी